ज्यादा नहीं उसको करना पड़ा। अच्छा, ज्यादा डांटना नहीं पड़ा? नहीं, वो शुरू से पढ़ती। लगता था आपको कि दरोगा बनेगी कभी? मैंने कभी उसको काम के लिए वो नहीं कहा। नहीं तो आपको लगता था कभी ऐसा सोचा आपने कि हमारी बेटी भी कभी वर्दी पहनेगी, दरोगा बनेगी? लगता था क्योंकि वो छोटे से ही बहुत ज्यादा। चलिए बड़ी, अभी बताइए पढ़ाई कहाँ कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी है आपने? बाकी स्कूलिंग वगैरह तो यहीं उरई से ही मेरी रही है। अच्छा। ज्ञानोदय मेरा स्कूल था, स्कूल मैंने वहाँ से किया। उसके बाद इंटर मेरा SR इंटर कॉलेज से हुआ, यहीं से ग्रेजुएशन भी हुआ। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद चली गई थी। जी, आप भी बताइए, जब उनका सिलेक्शन पता चला आपको तो कैसा फील हुआ, क्या लगा आपको? तो बहुत अच्छा लगा। गांव गांव कौन सा है? आप सिल्पी से, चूंकि गांव पूछा नहीं हमने, आपका पैतृक गांव जो है जैसारी कला है। जैसारी गांव से बिलोंग करते हैं। अब आपकी बिटिया दरोगा बनने वाली है, भविष्य में आप वर्दी में देखने वाले हैं, तो और जो मम्मी पापा था कि उनकी बिटिया भी आगे बढ़ सके, उनको क्या कहेंगे आप? हमारे साथ इस वक्त दरोगा जी मौजूद हैं, जो बड़ी हम्बल हैं, और उम्मीद है कि थाने में जाने के बाद भी ऐसे ही हम्बल रहें, थाने में जाके कड़क ना हो जाए। तो नमस्कार, आप सभी का जनता गैराज में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम उरई में बैठे हुए हैं, हमारे साथ शिल्पी राजपूत जी हैं, जिनका हाल ही में UPSI में सिलेक्शन हुआ है। और हम आपको बता दें, इस बार UPSC में भी लड़कियों ने ही परचम लहराया है। हम बात करें श्रुति शर्मा जी की, अंकिता अग्रवाल जी की, जैमिनी जी की, तो सभी लोग ये लड़कियाँ हैं। टॉप 3 रैंक इन्हीं लड़कियों की है। तो शिल्पी जी, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने सिलेक्शन UPSI में लिया है। अभी बताइए पढ़ाई कहाँ कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी है आपने? बाकी स्कूलिंग वगैरह तो यहीं उरई से ही मेरी रही है। अच्छा। ज्ञानोदय मेरा स्कूल था, स्कूल मैंने वहाँ से किया। उसके बाद इंटर मेरा SR इंटर कॉलेज से हुआ, यहीं से ग्रेजुएशन भी हुआ। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद चली गई थी। फिर वहाँ पे आगे वनडे एग्जाम्स के लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो बाकी स्टार्टिंग में SSC के लिए मैं एक्चुअली प्रिपेयर कर रही थी, देन उसमें कुछ थोड़ा स्कैम के चलते काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। तो फिर ये था कि थोड़ा सा प्रेशर भी घर का था कि हाँ, चीज़ें एक साल वेट करोगे, कितना वेट करोगे। देन फिर ये कोविड का टाइम आ गया, फिर ब्रेक हो गया। उसके बाद फिर ESI की वैकेंसी आई, तो फिर मैंने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया। देन फिर एग्ज़ाम वगैरह हुआ। फिर उसके बाद एकेडमिकली कैसी रही हैं शिल्पी जी? आपने उरई में पढ़ाई की है, आप खुद को कैसे आंकती हैं, एकेडमिकली कैसे देखते हैं? एकेडमिकल भी मेरा अच्छा ही, मतलब हमेशा से रहा है। हाई स्कूल और इंटर मेरा अच्छा परसेंटेज रहा है, हमेशा फर्स्ट डिवीजन से ही मैं पास की हूँ। उसमें भी 77 था हाई स्कूल में मेरा, ट्वेल्थ में मेरा 81% था, ग्रेजुएशन में भी मेरा 74% के समथिंग था। भैया बताओ, हम लोग बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, और अपने बुंदेलखंड में ज़्यादातर जो मम्मी पापा होते हैं, उन्हें दिक्कत होती है अपनी बच्चियन के, बच्चन के तो भेज दिए थे, लेकिन बच्चियन के, कि बच्चियन के घर में रखो। तो आपके मम्मी पापा कैसे रहे और कैसे भेजा, कहाँ रही आप? नहीं, इस मामले में तो बहुत लकी रही हूँ मैं, हमेशा से ही, मतलब मुझे लगता है कि मैं छोटे से ही सबसे ज़्यादा पापा मम्मी दोनों लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है। मतलब ये नहीं था कि घर में मेरा बड़ा भाई भी है, छोटा भाई भी है, तो जो उन लोगों का था वही मेरा था। जैसे मोस्टली हम लोगों के यहाँ रहता है कि नहीं, घर का काम भी सीख लो। मैं अपना बताऊँ तो मुझे तो आता ही नहीं था। मैं अभी जाके जब बाहर में पहुँची इलाहाबाद, तब जाके मैंने वहाँ पर बनाना खाना सारा कुछ सीखा। उसके अलावा मम्मी का पापा का दोनों लोगों का रहता था, नहीं कुछ कर लो, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी थोड़ा सा एजुकेशन का हम लोगों के यहाँ रहता भी है कि चीज़ें सही नहीं है, लेकिन उनका था कि नहीं कुछ कर लो बेटा, बाकी ये सब चीज़ें तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी, कुछ कर लोगी तो चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी रहेंगी आगे। तो बस वही है कि उन्होंने हमेशा हर चीज़ के लिए, मतलब किसी भी चीज़ से रहा हो, हमेशा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही, एनवायरमेंट से लेके हर एक चीज़ में कभी कोई इशू नहीं रहा। उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, जो भी करना है तुम अपने मन से करो, अपने हिसाब से चीज़ें सिलेक्ट करो, उसी अकॉर्डिंग करो। ये नहीं है कि हम लोग या आपस परिवार वाले क्या कह रहे हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, वो तुम्हारा जो मेन मोटिव है तुमको वो करना चाहिए। तो उन लोगों का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि बिना उनके सहयोग के तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें, बिना, क्योंकि घर में अगर सपोर्ट नहीं है तो आप बाहर से या किसी तरीके से आप किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई आपको सहयोग देगा या कुछ करेगा। सबसे ज़्यादा मेंटली सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कई बार मैंने ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही मेरा हो गया, मैंने इससे पहले भी एक दो एग्ज़ाम्स दिए, उसमें मेरा नहीं हुआ। लोअर का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा कुछ मार्क्स से रह गया। उसके बाद काफ़ी मैं थोड़ा सा मतलब परेशान हो गई थी कि मम्मी हो नहीं रहा है,
फिर वही मम्मी पापा बोले, अरे परेशान नहीं हो, पढ़ तो रही हो ना, हो ही जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर से दोबारा से अपना स्टार्ट किया, देन फिर यही एसआई वाला भी हुआ, अभी बाकी इसके आगे भी यूपीएससी वगैरह के। चलिए, तो अभी जब कैमरा ऑफ था, हमारी बात हो रही थी, तो शिल्पी जी हंस के ये कह रही थी कि इस तरीके से इंटरव्यू या मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मैंने थोड़ा यूपीएससी किया है, तो हमें ये भी उम्मीद है अभी यूपीएसआई में सेलेक्ट हुई हैं, आगे यूपीएससी में भी सेलेक्ट होंगी और हम आके यूपीएससी में आके भी इनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो आपके भविष्य के लिए भी बहुत बहुत कामनाएं हैं, आपको शुभकामनाएं हैं। भैया बताइए, इलाहाबाद में कहाँ रही हैं आप, और लड़कियां अगर यहाँ से जाती हैं? इलाहाबाद में जैसे लड़कियों के लिए अगर देखा जाए तो सिविल लाइंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं और वहाँ पे सारी कोचिंग्स भी अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना भी आप टाइम कोचिंग से आए तो आपके पास सेल्फ स्टडी का भी टाइम रहता है। आप ज़्यादा दूर ले लो तो फिर आपका आने जाने में ही काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पे चीज़ें इतना मैनेज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप कितना भी कोचिंग कर लो, सेल्फ स्टडी के लिए तो एटलीस्ट आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो वहाँ सिविल लाइन्स एक अच्छा एरिया है, सेफ भी है काफ़ी गर्ल्स के हिसाब से, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, सारी जितनी भी अच्छी कोचिंग्स वगैरह हैं सारी सिविल लाइन्स में अवेलेबल हैं। और बाकी कटरा भी वहीं से पास में, बुक्स के लिए काफ़ी अच्छा हब मानते हैं वहाँ पे इलाहाबाद में, तो आप जाके वहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं बुक्स वगैरह सारा। शिल्पी जी, स्टडी क्या थी आपकी? आपने कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड रही, सेल्फ स्टडी को ज़्यादा महत्व दे दिए, और जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं उन्हें कोचिंग को ज़्यादा मतलब देख के पढ़ना चाहिए या सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्या फोकस करें? मेरा मानना है कि कोचिंग में ये है कि आप एक गाइडेंस के तौर पे आप कोचिंग को ले सकते हैं, कि आपको एटलीस्ट वहाँ जाके टीचर से ये पता चल जाएगा कि हाँ चीज़ें कैसी चल रही हैं, किस सिनेरियो में चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि आप अगर खुद से करोगे तो नो डाउट आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा चीज़ों को समझने में, कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न्स में चीज़ें आ रही हैं, आप किस बुक को उठाएं, क्योंकि मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल, उसमें से शॉर्ट आउट करना चीज़ों को कि कौन सा सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो सारा उसके लिए गाइडेंस मिल जाता है कोचिंग में। उसके अलावा सेल्फ स्टडी तो मस्ट है, बिना उसके तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कोचिंग की थी, उसके बाद इंडिविजुअल मैंने कोचिंग लिया था, मैथ्स का लिया था, देन उसके बाद फिर मैं सेल्फ स्टडी पे ही फोकस थी, बाकी सारा मैंने सेल्फ से ही किया, क्योंकि जैसे मेरा फाउंडेशन ठीक था, जैसे जिनका फाउंडेशन ठीक ना हो तो वो जनरल वगैरह बैचेस वहाँ पे होते हैं, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स वो लोग करवाते हैं, तो वो आप वहाँ जाके कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप मतलब कर ले जाएंगे, चीज़ों को मैच कर ले जाएंगे, तो आप इंडिविजुअल भी वहाँ जाके कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हों, जिस भी बंड एग्जाम्स की, आप उसको जाके आप वहाँ पे एनरोल करा के अपना आगे कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 hours करनी पड़ेगी। शिल्पी जी, बताइए, अभी मान लो आप पुलिस का चार्ज लिया नहीं है, ट्रेनिंग करेंगी, इससे पहले कभी पुलिस से ऐसा हुआ है कि कुछ आपके थॉट्स हो उनको लेकर? क्योंकि जनरली जो आम पब्लिक होती है, जो आम लोग इंटरव्यू देखेंगे, उनका यही है कि लड़कियां भी बहुत हम्बल है, लेकिन जहाँ से वर्दी पहनेगी इनमें भी रौब आ जाएगा, आम आदमी को ये भी परेशान करेंगी, क्योंकि एक्सटॉर्शन जो है पुलिस विभाग में बहुत होता है, करप्शन बहुत है, तो इसको लेके कैसे देखती हूँ आप, कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या करेंगी पुलिस में जाके जब वर्दी आपके शरीर पर होगी? पुलिस में हाँ ये थोड़ा सा लोगों का रहता है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि सभी का रहता है, क्योंकि किसी भी आप फेज में देख ले, किसी भी जॉब में देख ले, हर जॉब में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, होता रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे ले जा सकते हैं, आप किस तरीके से लोगों से आप बर्ताव आपका कैसा है, आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आपके आसपास चीज़ें सही हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, लोग आपसे सेटिस्फाइड हैं आपके काम से या नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड भी करता है कि मतलब चीज़ें कैसी रह रही हैं, और फिर उसी अकॉर्डिंग लोगों का आपके प्रति व्यवहार और नज़रिया भी बदल जाता है, वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। देखा, ये बताइए, अब जब आपको पता चला आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपने घर पर बताया होगा, तो पहला रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था रिजल्ट आया, वो भाई लोगों को पता चला था मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी, फिर शाम को जब मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो भैया लोगों का कॉल आया कि शिल्पी फाइनल मेरिट आ गया है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा शॉक तो थी थोड़ा सा, कि बड़े भाई है मेरे सेल भैया, तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पी और लिस्ट आ गई है, छोटा भाई भी है मेरा, वो भी बोला दीदी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद फिर मैं रास्ते में ही थी, फिर मैंने कहा कि अच्छा किस टाइम पे आया, बोले मॉर्निंग में आया है, मैंने कहा अच्छा तो मम्मी पापा को बता दिया तुमने कि नहीं, तो बोले हाँ मैंने बता दिया है, फिर उसके बाद घर पे आई तो सब लोग खुश ही थे। तो शिल्पी जी की मम्मी भी है जो ओट पे खड़ी है केवाड़ की, जो कुछ बुदबुदा रही है, उनसे भी हम जानते हैं,
कि आखिर जब शिल्पी जी का सिलेक्शन हुआ तो जब आपको पता चला तो क्या कैसा लगा आपको, क्या कहा आपने फोन पे बातचीत की, क्या किया? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फोन पे बातचीत करके बधाई थी, क्या कहा आपने? फोन किया था तो ये उसमें थी पेपर में। अच्छा, चलिए तो इनके सिलेक्शन की खुशी शिल्पी जी की मम्मी के चेहरे पे साफ दिख रही है तो पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बताइए शिल्पी जी कितने घंटे पढ़ती जब यहाँ पे 10th 12th किया उन्होंने? नहीं, बस छोटे से ही, मुझे ज्यादा नहीं करना पड़ा। अच्छा, ज्यादा डांटना नहीं पड़ा? नहीं, शुरू से पढ़ती। लगता था आपको कि दरोगा बनेगी कभी? कभी उसको काम के लिए नहीं कहा। नहीं तो आपको लगता था कभी, ऐसा सोचा आपने कि हमारी बेटी भी कभी वर्दी पहनेगी, दरोगा बनेगी? लगता था क्योंकि वो छोटे से ही बहुत ज्यादा। चलिए बढ़िया, तो ये खुशी जो है ये शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो आगे की, अगर उसको टाइम मिला तो आगे की भी पढ़ाई। चलिए तो मतलब डीएम का तमगा भी, मम्मी को भरोसा है शिल्पी जी की कि डीएम का तमगा भी जो है इन्हें मिलेगा। और अब हम जानते हैं स्ट्रेटजी शिल्पी जी की कि क्या कैसे पढ़ाई करती थी, कितने घंटे इलाहाबाद में पढ़ाई करती थी और कौन सी किताबें पढ़ती थी। शिल्पी जी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या टिप्स थी जिनको देख के और जो लड़के लड़कियाँ हैं वो भी दरोगा बन सकते हैं? उसके लिए वही मैथ्स था और उसमें हिंदी और जीएस वगैरह सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो मैथ्स के लिए कोचिंग्स जैसे मैंने ली थी कुछ दिन के लिए ली थी, बुक्स वगैरह मटेरियल्स वगैरह। बाकी कटरा से मैं कुछ मटेरियल्स लेके आई थी तो उसी को मैं गो थ्रू वो ली थी, उससे पूरा सारा मटेरियल जो भी मेरे पास था, बुक्स थी उससे मैथ्स मैंने अपना कवर अप कर लिया था। देन फिर उसके बाद हिंदी के लिए मेरे पास मैंने तो लूसेंट जो हिंदी के लिए आती है वो और एक आलोक की आती है, मैंने उनसे ही अपना हिंदी कंप्लीट किया था। वैसे बाकी और मैंने कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं था। एंड आईपीसी के लिए भी एक बुक वगैरह थी तो वो मैं उससे गो थ्रू हो ली थी 2 से 3 बार कि हाँ कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाए मेरी। और बाकी फिर जो भी टेस्ट सीरीज रहती थी वो मैंने अटैम्प्ट की थी, उसका रिस्पॉन्स फिर देखती थी, फिर उसका एनालिसिस करती थी कि कितना मैं कर पा रही हूँ या कहाँ पर मेरे मिस्टेक्स वगैरह हो रही हैं, तो उसके थ्रू फिर मैं उसको अपना सही करने की कोशिश करती थी कि नेक्स्ट टाइम मैं गलत ना करूँ उसको। और जो लड़कियाँ हैं जो देखती हैं, क्योंकि लड़कियाँ अक्सर मतलब सोचती हैं ये उनके में थॉट सेट कर दिया जाता है सोसाइटी द्वारा कि लड़कियां हैं आगे नहीं बढ़ेंगी, उन्हें तो चौका चूल्हा करना है, कंडे पातने गांव में जैसा होता है, तो उन लड़कियों के लिए क्या कहना है आपको, उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मतलब गर्ल्स हो या बॉयज़, जैसे आप बॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देते हैं आप सोचते हैं कि वो लोग आगे करेंगे, तो अगर जैसे मेरे यहाँ है कि मेरी मम्मी का सपोर्ट बहुत रहा क्योंकि पापा का ये था कि हाँ अपना काम वगैरह भी रहता तो उतना तो नहीं पापा ध्यान दे पाते थे, इवनिंग में मॉर्निंग के टाइम ही पापा का रहता था कि हाँ बेटा ठीक है कर लो, लेकिन मोस्टली तो टाइम जो स्पेंड आप लड़कियाँ या बच्चे जो करते हैं वो मदर के साथ ही करते हैं, तो अगर वही एजुकेटेड नहीं होंगी, अगर उनको ही पता नहीं होगा कि हमें बच्चों को आगे करवाना क्या है या तो कैसे आगे चीज़ें जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन रहेगी वो आपकी आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी, तो अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो चीज़ें आपके घर को संभालने के साथ साथ आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उसको भी अच्छे से एजुकेट कर पाएगी, चीज़ें अच्छे से कन्वे कर पाएगी कि हाँ ये चीज़ें आगे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो एक अगर कह सकते हैं ना परिवार को अगर आगे ले जाना है तो उसमें अहम रोल निभाती हैं लड़कियाँ। तो ज़रूरी नहीं है, शिल्पी जी का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां नौकरी ही करें, लड़कियां अगर पढ़ जाएंगी तो वो एक परिवार को संभालेंगी और फिर उनके जो बच्चे होंगे वो जब उन्हें पढ़ाएंगी, खुद पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चे बहुत कुछ लाइफ में कर पाएंगे। और इसके साथ ये है कि अगर नौकरी भी कर रही हैं तो आप फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप खुद भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उसके साथ जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है एक केवल सिंगल पर्सन को अपनी एजुकेशन वगैरह करवाने बच्चों को कराने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, तो अगर दोनों लोग ही कर रहे हैं तो नो डाउट आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे पाएंगे, फाइनेंशियली भी आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ कि पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे नहीं कर पाते, अपनी स्टडी को कैरी नहीं कर पाते, तो वो फैक्टर उसमें रहता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप साथ में दोनों लोग ही कर रहे हैं तो दोनों को हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल। फिर भी ये सपना क्या है, हम तो डीएम थोप रहे हैं जब से चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपका रियल में सपना क्या, क्या बनना है आपको? अभी तो फिलहाल यूपीएससी का सोच रही हूँ, फर्स्ट टाइम अभी मैंने मतलब दिया है एग्ज़ाम, उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि सीरियसली उसको, क्योंकि अभी तो
टाइम नहीं मिल पाया था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा घर की तरफ से भी थोड़ा चीज़ें वो रह जाएंगी। अभी थोड़ा घर वालों को भी टेंशन रहती थी कि हाँ फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, लोग थोड़ा सा फैमिली वाले नो डाउट कहने ही लगते हैं कि हाँ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं कर लीजिए। तो अभी ये है कि अब मेरे पास मतलब फाइनेंशियली भी उतना शायद मे भी इशू नहीं रहेगा और टाइम भी अपना मैनेज कर ही लूँगी मैं, तो आगे के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो चलिए, हमारे साथ शिल्पी जी थी और कैमरे के पीछे शिल्पी जी के पिताजी हैं जिनसे भी हम बात करते हैं, उनके फूफा जी हैं। तो सबके पहले मुस्कुराते चेहरे एक बार दिखाइएगा और उनसे ही बात करते हैं। शिल्पी जी के फूफा जी भी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर पिताजी भी हैं शिल्पी जी के। तो शिल्पी जी का सिलेक्शन मम्मी से तो पूछ चुके हैं शिल्पी जी की, हम आप भी बताइए जब उनका सिलेक्शन पता चला आपको तो कैसा फील हुआ, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। गांव कौन सा है आप शिल्पी से, चूंकि गांव पूछा नहीं हमने, आपका पैतृक गांव जो है? जैसारी कला है। जैसारी गांव से बिलोंग करते हैं। अब आपकी बिटिया दरोगा बनने वाली है, भविष्य में आप वर्दी में देखने वाले हैं, तो और जो मम्मी पापा था कि उनकी बिटिया भी आगे बढ़ सके, उनको क्या कहेंगे आप? उनको ये है कि बेटियों को ये सोचते हैं ना लोग, बाकी हम बाहर ना भेजें, नहीं बाहर भेजना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए। अभी ये उनको घर पे रोक लेते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चियों को नहीं पढ़ाना, ये गलत है। सबको बराबर देखना चाहिए। बिल्कुल, सबको बराबर देखना चाहिए, बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमारी शिल्पी जी जो हैं, इन्होंने यहाँ पर अपना परचम लहराया, आगे भी लहराएंगी, और UPSC में भी जो तीनों लड़कियाँ उन्हीं ने टॉप किया है, लड़कियों को खुलकर उड़ने की इजाज़त दीजिए, वो बहुत कुछ आपको करके दिखाएंगी, अपना नाम खुद बना के दिखाएंगी। और यहाँ पर शिल्पी जी के फूफा जी हैं, बड़े खुश हैं। तो आपको क्या लगा जब आपने पता चला आपको कि शिल्पी जी का सिलेक्शन हो गया है? देखो, शिल्पी की छोटे भाई से बात हुई जब तक, शिल्पी का तो पीसी अस्कर तक तो कुछ हाथी उसको पता ही नहीं था। हाँ। तो शिल्पी का फोन आया उसके भाई, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। हाँ। मैंने काफ़ी लोगों से बात की। हाँ। बोले भाई साहब कौन भतीजी कौन है क्या है, तो मैंने बताया सब लोगों का। बिल्कुल अच्छा लगता है जब अपना कोई सिलेक्ट होता है। हमारे पास जयप्रकाश प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, शिल्पी से मिलकर कैसा लगा प्रधान जी? बहुत अच्छा लगा और बहुत ठीक हुआ। बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों से कहीं आगे हैं हमारी बच्चियाँ। बिल्कुल, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए सबको, और ये इससे एक सबक सीखना चाहिए हर परिवार में जिनकी बच्चियाँ हैं, तो बच्चियों को बच्चों से ज़्यादा पढ़ाएं और वो आगे। बिल्कुल, तो बच्चियों को बच्चों से ज़्यादा पढ़ाएं, वो एक घर को नहीं दो दो घरों को संभालेंगी। आखिरी में शिल्पी जी से फिर हम बातचीत करते हैं, और शिल्पी जी से आखिरी संदेश आपके जैसी आपकी सहेलियों को, लड़कियों को आखिरी बात क्या बोलेंगे आप? यही है कि अगर आपको मौका दिया गया है तो उसका अच्छी तरीके से उपयोग करें, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों का भी समाज रहा है कि हमेशा कि लड़कों को ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए, आप चीज़ें करेंगे तो लोग आपकी उसी अकॉर्डिंग कदर भी करेंगे, उनकी सोच भी बदलेगी कि हाँ मैंने मौका दिया तो मेरी लड़की ने ये करके दिखाया। तो उन सभी लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि अगर आपको मौका दिया जाता है, और जो भी पेरेंट्स हैं उनसे भी है कि मौका देना चाहिए, तो जो भी आपको मौका मिला है उसका अच्छी तरीके से उपयोग करें, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो बाकी। ओके, तो शिल्पी जी का कहना है कि अगर मौका आप पे भरोसा करके आपके पेरेंट्स आपको मौका देते हैं तो उस मौके का इस्तेमाल करिए। टीचिंग में हो गया था आपका? अरे ये भी बताइए फिर खुल के। हाँ, टीचिंग में हुआ था मेरा। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब टीचिंग थोड़ा सा ये था कि उसी टाइम पे मेरे दूसरे एग्जाम्स भी चल रहे थे। अच्छा। तो मुझे भी ड्रॉप करना पड़ गया था बीच में, मुझे लगा कि इन पहले एग्जाम्स को फोकस कर लेती हूँ, क्योंकि मेंस मेरा उस टाइम तो मतलब पावर ज्यादा जरूरी है। टीचिंग करके बच्चों को नहीं संवारना है, पहले सोसाइटी को सुधारना है, बाद में समझते रहेंगे बच्चे को, ऐसा कुछ है शिल्पी जी? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे ये था कि हाँ थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके जाना है। टीचिंग का ये था कि घर में भी और लोग थे, मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा सा चीज़ें कुछ और की जाए, और यही बाकी। उसके बाद फिर एग्जाम्स वगैरह हुए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर ये दरोगा जी हैं, ओरई किए हैं, और देखते हैं भविष्य में अगर 5-10 साल बाद इनसे फिर से हमारी मुलाकात होती है तो ये दरोगा की वर्दी पहन के कैसा बर्ताव रहता है, जैसी अब ये है वैसी ही रहती है, बदलती है। तो आप भी देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता का राज। धन्यवाद।